तो सेठा ने कहे कोई बात रे कमी नहीं है के बतावे सेठा ने छपन दुकान थाल नहीं है कोनी काम का अपना। और सेठा ने दिन आ तो जड़े लाखोनी पे प्राप्त हो ये तो वही यहाँ करता करता सेठ और सेठा आपने मैंने विचार किया के भाई पैसों टको घणो ही आवे श्री पुरुष रो जोड़ो हुए हाथ जोट रो जोड़ो हुए पाप धर्म रो जोड़ो हुए हर बात रो जोड़ो और भाई जरी आवदनी भी घणी है तो केन के हाथों आप फून करा जो को धर्म बदिया करे कहने के भाई धर्म री जड़ हरी ना धर्म तो रे हैं धर्म री जड़ हरी आ धर्म री जड़ हरी रोके वे और राजा भोजरे काना आवाज जाती थी राजा भोजरे काना आवाज गवे उजिन और राज करतो राजा खजाना सब दे विद्या निदान हो राजा भोजरे रोके पंडित राजा नहीं यो उजिन में सब दे विद्या के राजा बहुत जान राग रसायन निरित गुण नटवादी वेदम तुरी डकावण व्याकरण जाने ज्योति रंग धनुष बाण रत आकबो चित चोरी परम ज्ञान आ चौदे विद्या रजा बहुत जान तो आ बात रजा बहुत रे कने देवी रजा बहुत मन में विचार करियो ऐसे लोग कहे के धर्म री जड़ हरी है तो धर्म काई कोई दरगत है काई कोई पशु पक्षी है वो कई चीज है पण ये लोग कहे धर्म री जड़ हरी जटो जाना कोई दरगति है क्यों जड़ तो रोकड़ा री चाल रोकड़ा जो है तो धर्म री जड़ हरी है कटे एक देख क्यों मैं तो राजा महाराजा आप हां सही है आधा कानारा काचा विया करता भावड़ा तो आई रावड़ा घोड़ा भावड़ा अश्वा कहने के राजा जोगी इगन जड़ जाने उड़ती री तो डरे तो अरे जो पर राम जी बस थोड़ी पाले फरी अन की फरी थी कमी हाँ कमी हुआ और सब रे टाइम आप रो जरे खने अकड़ो जुड़ियो जाजमा हाजमा हमें जाएगी ये अमनड़ा लेजन ढोगा कसर कसम अमनड़ा निर्णय ढोगा भाई अन सवा जुड़ी आप बोरी चारी ने बात એને માત્ર અમલો અમલો ગાળી જે અણનો જાજુ આપી ચાવડે અણનો કે ઉજે નંગરી રે માઈને સોડે સોગર બ્રાહ્મણ બે રજા ભોજરે દરી ખાને બ્રાહ્મણ આવીને કેટા ઓય એ કેટા ઓયા એ ઘંટો દો ઘંટા ચાર ઘંટા વા કોઈ વાતાવરણ ચર્ચા ચાલી જો ચાલી ઓર રજા હુકમ દીયો રે ભાઈ અબ હાજરી સભા સમાપ્ત કરો આ કરતા પાણી હાજરી આયા જોગવા બ્રાહ્મણ ને એક કો સોનારો ટકો એક કો સોનારો ટકો દિયો અને બ્રાહ્મણ ખુશી ભી આવર એક સાથ મેં બોજ્યા રજા ભોજરી જે હો ધર્મરી જડ હરે રજા ભોજરી જે હો ધર્મરી જડ રજા જાન બોલ્યો રે બ્રાહ્મણા થાને ઘરે જાણવા હાથ કોની ભાઈ મેં થાને દાન દક્ષિણા દેવી और थानो फर दे आस का जेवनो पण थे कहो धर्म री जड़ हरी जना मने बताओ धर्म कोई रोकड़ो है वो कितो लूंटो है इन बिनी जड़ कटे है ना कटे है बस जड़ दिखाओ नहीं एन ए जो झूठो वचन है जो छोड़ मेरा मन गए उन बोलिया वो कमन दाता गणी कमा मोटे मुंडे छोटी बात आप धर्म री जड़ हरी सानी है એમ ધર્મ દેવો જો ધર્મ વધે જેના બા જડી છે ઓર ના ઓર તો કઈ કે નહીં થાય કો ધર્મ ની જડ હરી હે જેના ધર્મ હે દરગત બિન જડ હે પણ બા હે કે તે ગુણ બા બતાવ બ્રાહ્મણ મન મે વિચાર કર્યો ઘર જાય ઘોડા આવી નું અબ કઈ બતાવા હો તો ગળા મે ડાળો આઈગો આઈગો यहाँ फोटका हाड़ी रहा दूध मांग लिया छाड़ी रहा यहाँ फोटका घालना ले रहा पिंदा बताई दिया थाड़ी और ब्राह्मण तो हूं पानी ब्राह्मण को बाको घाटो रहा बाका ना कर दे गिवी दो वो मुंड में माँ क्या बड़के चढ़कने मालो वाली वो कान अपो नाता में आई ओ परे जाड़ो परा नहीं रहेगी नहीं रह जाड़ नहीं चाह नहीं रहेगी रापा काना चरचरा अंगड़ आवे तो जाते रही सठ सठ क्यों बोल
आओ ब्राह्मण के काको जी बताई, काको जी के बाबू जी बताई, बाबू जी के नानो जी बताए। राजा बोलदान बोझ रे ब्राह्मण बात नहीं है और तुम भले रोज ना आओ आओ तई करो सोना रो टको ले जाओ पर थाने धर्म री जड़ हरी दिखानी पड़ी। हां दिखानी पड़ी जड़े धर्म री जड़ हरी नहीं दिखाओ जड़ थे पक्का ब्राह्मण नहीं। एक ब्राह्मण मदेवन बोलियो कमन दाता मैं धर्म री जड़ हरी कहीं बता जको तने सृष्टि रचाई वही आज कियो कि धर्म री जड़ हरी है तो कहीं सारो है पर दिखाई वही कौन ने तो माने तो कहीं कुदरत है एंड मैं कहीं आप ने दिखा सक आप खो सब दे वो बढ़िया निदान हो पंडित रजा बाज हो वेदांत जान का क्यों भाई वो बोल रही तो यूं करो रजा साहब माने 6 महीना री मोल कर दो आज तो 6 महीने जटे कटे है धर्म री जड़ हरी जो को मैं था का राजा देवन बोलियो रे भाई 6 महीना री छोड़ तो दे दूं पर 6 महीने कह तो धर्म री जड़ हरी दिखाओ और न दिखाओ तो देखो तड़ावड़ो फड़ियो इन मायने गाल से न जीवता ने बोलू ला ये कड़ी जिला जो ब्राह्मण ने वो गुरु नो नाम लियो ब्राह्मण विचार करियो जेवता तो रहा मारा ना सही एवदा ने कियो रे के बतावे कने रे काई बतावा से छोरा मारा एक सागे बूर दे हां गिरे मिटिया गिरे मिटिया इन जे कोई कणाई मरे कोई कणाई मरे और चिंता वे इन जे एक सागे हां पूरा ले तू हां ओए ब्राह्मण कियो ने 6 महीना रो वचन राम जी कोल 6 महीना रहा कोल बोलेगा तो ब्राह्मण तो पाचा घरे आया घर पकड़ा आपरा बैठ गया राजा रे दिल खान तो ने पाछो मुंडो ही नहीं कन के गया ही नहीं बड़ा क्यों जावे कह तो मान कन के जवाब ही कौन जवाब ही बने अवे राज ने ना आपरा वे पांडरा पोते देखे पण बो हम ठीक पण में तो लिखेड़ो कोनी के धर्म दी देखे हां रे बतावे काई काई बतावे अगर खाली अब जुबान हो कहां भाई धर्म हां भाई जुबान और दे कित को ना कौन देखिए अरे ब्राह्मण चिंता रे महीने पड़िया यहाँ करता करता महीनो वियो 2 महीना विया भाता में जावता टाइम लागे कोने महीना तो जाई 6 महीना बराबर पूरा हो छठो महीनो यो ब्राह्मण से कहता या क्यों रे भाई आज मौत री रात है ना लास्ट है क्या हाँ लास्ट है अब खुल जुगा ना तो वो अपन वो अबे बेटा सला सोच विचार करे पाचा रोटी जगह आया ये कशी भरो बूढ़ो ब्राह्मण बिने एक पोती बहु पोती आन खोला में बड़े दादो जीरो लाड करियो भाई लाड प्यार करियो खत हत हो गया दादो सा दादो सा दादो सा करे एन दादो सा ने माते हाथ फेरियो एन कह दादो सा ने रोज आए के आज तो बापड़े दादू सा करे काल दादू सा मारा काल दादू सा कहने कहे और वही वो बयान सूट किया के वह लड़के स्वामी देख वह देख बोले बोले दादू सा रोया क्यों के बेटा अब तुमने कहीं कहो ना कहीं कहो क्यों नहीं दादू सा वेजड़ी बात क्यों नहीं और तेरे रोवो बेटा और तेरे को रोटी जिमा को नहीं तो थे नहीं जिमा तो नहीं को जिमा दादू शाह देवन बोलिए बेटा तू बालक है तू समझे कोने के दादू शाह समझ तू कोने पर थे कहो जो कड़ी मां मारे समझ थोड़ी तो थाने कहीं दुख हुयो कहीं दुख हूं रोज हुयो कोई बाबा लड़िया मम्मी लड़े थाने कोई नरा कर दिया बात कहीं मेरा मन देवन बोलियो बेटा कोई नहीं लड़िया नहीं तो कोई तारा बाबा लड़िया नहीं मम्मी लड़ी पर माने सुबह मौत आई जो तो करो काल दादो सकिन ने के जना या कण मारे विचार कर रोज आए अरे दादो साथ है आजा नहीं रोगा वो 5 शेर होको दान खाओ बाज रो क्यों मरो ये रोग ही कोई ये रोग तो कौन नहीं बेटा पर सुबह सूरज गरा रजले दरी खाने जाना रजरे जरे कने जा वहाँ वो राजा बहुत धर्मात्मा राजा है वेदांत जानकार है
अब वो माने एक शब्द बोत है क्या भाई धर्म री जड़ हरी कटे है मने दिखाओ जो कह तो धर्म री जड़ हरी दिखाओ नहीं दिखाओ तो ना देवता ने सहन तलाव में बूर दे आ लड़के जान बोले दादू साहब लो रोज करियो न भला रोया हाँ धर्म री जड़ हरी तो मैं ही दिखाई भी हूँ इन नौकाई पूछियो राज विचार करियो कोई बात को नहीं तो बंदा ही और तो कोई अपनी जाति में क्यों नहीं को नहीं भाई रजा ने जवाब दिया कोई बात को नहीं रात हो रिका रोटी टुकड़ा जे मैं सोएगा सुबह सुर जोगो एन वो राजा बुल आयो कि मैं छह महीना कोल कोल बोरो यो नर नमर से ब्राह्मण जावे एन वो आप पोते ने खांदा मातवान ऐसे ब्राह्मण दे उन बोलियो रे बेटा बाप इन टाबर ने क्यों सागे लेवे कहीं टा राजा है पता आन दे नहीं आन प्योरे आन तो नहीं दे पण आ है नहीं जो राजा ने जवाब आज दे ना आज दे गए ब्राह्मण विचार करियो आ काई दे दे अपन ने नहीं खूब दे ना जो आ काई दे क्यों भाई आ के मैं दे दे क्यों छोरी दे दे जवाब के आन दे वहां भाई साहब जी तो राजा ने दर्शन चाहते राजा रे दरी खाने गियो आगे वे जाज मां ढड़ी उड़ी क्यों पोतो बाता मां रोजी ने सवा जुड़े जो जुड़ी कच्चे ने ब्राह्मण जान बस राजा देन बोलियो रे ब्राह्मणा छह महीना रे महीने कोई दरी खाना खानी आयो ही कौन आयो ही बनी गए क्यों कमरदार साहब कहीं आवा आपरी अबूज कड़ी रो कोई जवाब उपजन कोई मानू आई अब छह महीना रो कॉल है जो आपरी मर्जी भेजियां क्यों भाई मर्जी गए जन तो करा को नहीं न्याय है जो न्याय वे बोलिया बोल पराया है थाने लिखा बड़ी करी होड़ी और जन धर्म री जड़ा रिज का जो थाने मार मारे का इंदर ना काई करना ओ ब्राह्मण देवन बोलियो राजा साहब कई बात पूछी कोई लांटी बात बोलता धरते फिरते रचे जड़ी जना तो माँ बताओता ही एक छोटी सी बात आ तुम्हारी सॉरी बताई दी अब माता कटे बारी आवे बता मन की जरूरत कौन पड़े मन जरूरत कौन पड़े और रो नाम लियो राजा दे जो दे उनके वे बेटा अटने आ गया और थोड़ी ने आगे बुलाई पर राजा माते हाथ फेर के बेटा तो सोई गुना माफ है और जे तुम धर्मली जड़ हरी दिखाई दे तो मैं तन छाप भर और मोरा ईमान में दे लड़के दे बोले एड़ी बात है राजा साहब जवाब तो मैं थाने दे हूं। और धर्म की जड़ हरी दिखाऊ पर मैं मोरा नो बाड़ू कहीं करूं मैंने तो छाप पर बोरिया नहीं दे दी लड़के की अबूज बात सुनना हूं राजा ने हंसो आई गो क्या टावर बोरिया कहीं मोरा नो कहीं बिना बापड़ा टावर तो बोरिया ही राजी बोरिया क्यों बेटा तुमने दो नहीं दे क्या दो नहीं दे राजा साहब एक बात थाना घर में रानी है भोणवंती थाने रानी छोड़ दे भी दिया जान का और एक वो पंडित है इन्हें घर में ब्राह्मणी है बस छोड़ दे भी दिया जान एक बड़ा नंगरे माई ने एक धोबी बस है दिन धोबी रे लड़की भाई छोड़ दे भी जाने का आप वहां तेना ने इकट्ठी करो और तीन ने इकट्ठी कर जवाब पूछो तो धर्म की जड़ हरी आपने दिखावे इंजा ब्राह्मण खाने धर्म की जड़ हरी इकट्ठी दिखाने को तो आप सुनो जो नाम सुनियो है हाँ तीन ने आप इकट्ठी करो थाने तीनों ही जवाब राजा विचार करी बात हा हो रही बात रानी तो अपने महल में बैठी जब एनो पंडित ने बेटरी बहु ने बुलाई ला धोबरी लड़के ने बुलाई ला और दिखाई देना से ठीक है राजा देन बोलियो रे ब्राह्मणा थानी ला राज में छूट अब मैं मारो पूछ तो
अब रजा जाई बड़ो महल में रानी ने पूछताछ करी तो रानी विचार करियो धर्म री जड़ तो हरी दिखावा घनी आवा सब दे विद्या जाना पण अपन तो घर गृहस्थी में आए घर गृहस्थी में आना रा कारण सो वो लाडली विद्या री अपने भूल पड़। अब ब्राह्मणी ने बुलावे तो भाई घर गृहस्थी पण लियोड़ो है भाई कहीं देखो। अब एक बार धोबी री लड़की है दिनों हाल कहीं सगाई सगवन करनो है जब बिन शुद्ध में बैठे तो बाहर जाने जवाब जरूर जवाब आ लगे कोई कारण। और राजा रानी ने पूछताछ करी रानी क्यों राजा साहब थे उसे विद्या घनी जाना और मैं क्यों थे जानो जानना हुए कहीं अपना किश्तीपणा में आएगा जो अपनी अब आगे शक्ति ज्यादा था। और जब ब्राह्मणी ने बोला हो तो भाभी के दृष्टिपणा में आयोड़ी अब ये सिर्फ दो बिरे लड़की है आप ने जवाब दे अब आवे या नहीं आवे बा ठाकुर जो आप यूं करो एक कहवे जो को बात करो एक कहवे के थे जवाब दे वो कहीं जना तो धर्म की जड़ हरी दिखी जो और एक कहवे जो रस्तों के लो थे ले लेजो थाने जवाब जरूर। अब हाँ तेनाने बेड़ी करी तेनाने बेड़ी करी जना तो बेरी लड़के क्यों भाई मैंने एक ने क्यों मराओ अब सब से विजय थो जाने मैं जाना अपन चिन्ह तो एक शिक्षा है एक ही विद्या है बाकड़ी थे ही जानो मैं ही जानू अब थे मैंने एक लेने आगे क्या मारते क्यों भाई थारे बिना हो गए लो रस्त हुए को नहीं क्यों रस तो नहीं गए जन था नहीं रजा ने कह दे तो ये अच्छे जवाब कटे ही नहीं सुबह सुर जुगाना स्नान सपाड़ा कर और घोड़ा माते सवार हो और सौ कोस नहीं उत्तर दिशा में चले सौ कोस उत्तर दिशा में चले जना बटे एक बाघ आवेला मैं बाघ रे मायने जान डब जावे दो घंटा तो इन जवाब रो गेलो बता आई राजा ने बोला बोले करियो पूछताछ करी जना धोबरी लड़की वही जवाब दियो भाई राजा मानखन के नहीं है मैं थारे दे रही हाँ अब तुम अपने स्नान सपाड़ा कर तारो नेम धर्म कर घोड़े सवार वे पांचों शस्त्र ले और सौ कोस उत्तर दिशा में चाल चाल उत्तर दिशा में चाले ला चालता एक बीच में बाघ आवेला मैं बाघ रे भाई ने घंटों दो घंटा आराम कर दे थाने गेलो बताऊना आली आगे और उम्मीद मिल जाए। अब इन बाघ ताई तो मैं थाने गेलो बताई राजा के भाई कोई बात को और राजा स्नान सफड़ो कर परो आप रो घोड़ा माते बेसवार पांच शर्त लेन क्यों बिना तो धर्म की जड़ हरी देखनी और घोड़े सवार वे नो सौ कोस उत्तर दिशा स्वामी चालियो चालियो चालता चालता पचास तीस कोस पर गियो गियो ना राजा रो दिमाग चक्कर खा गियो रे अब धोबीरी लड़के रे कहना झूठा भूखा मर गया अपा रोजना आवा घोड़ो फेरा इन गेला में तो कोई बाघ है ही तो कोई नहीं तो आज बाघ वो आ इकट्ठो पण आपा उन लड़के रे कहने कहने घर छोड़ पण चलो कोई बात कोनी सौ कोस पूरा तो करा ना करा। और जब विचार करता करता चले आगे गियो के एक बाघ आयो बाघ आयो बड़ो भारी नाटो क्यों पोतो बाथा और बाघ रे से चारों तरफ बे फाटका छाड़ी ओड़ी और ठंडा पानी री मटकियां भरी ओड़ी चंपा चंपेली गुड़ा मोगड़ा कई केवड़ा कई चमक तरह तरह का दरगल लागोड़ा और कोई मोर पपया बोले राजा देख यो विचार करियो बाघ आयो तो है ओ आवरो बाघ रे मायने गयो जान फाटको दरवाजो खोले तो बटे कहीं इंद्री चार पुरियां आवे ले पुरियां आयोड़ी और बड़ा पाटा लागोड़ा जाजमा बिछाई जुड़ी पानी दी मटकियां भरियोड़ी राजा ने देख यो वे पुरियां जे बोली राजा रे नाम रजा भोजरी जय हो
और आज माना है करम हो यार सूरज भगवान ठीक हो गयो जो को रजा उसे रजा धनी रा दर्शन हो और रजा बोधरी दे ओ धर्मरी जड़ हरी धर्मरी जड़ हरी रजा विचार करियो अटे कड़ी सागनी है सागई है ओ जाई ब्रो ना ब्रो एक पाटा माते बैठ गो घोड़ो दर के तेरे बांध दियो अबे सातों ही पूरी यहाँ बैठ बैठे बैठे विचार करे और रजा ने पानी आनी पायो आज चेतन सेवा करी और वानी टेम हुई और इंद्र भगवान रे गरों बानी साठ फनात ना भोजन री आई वो इंद्र भगवान ने ग्रह सिंह आई परो धर रेती रही ने जो उतरी हो और वे भोजन लाई परी और सातों ही बैठ और आपस में बात करिए भाई भोजन करा क्यों 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 कहीं आप साथ और साथे पना तड़े एकू की रे एकू की है पर आज अपने करे वो राजा है जो को मेहमान बनना आयो ओ अतिथि रो रूप है इन्हें जो आप भोजन नहीं करावा तो अपने भोजन करियो ही नहीं करियो एड़ो जाए क्यों वो गृहस्थी रो पहलो धर्म है एक देवन बोलिए भाई पहलो धर्म है जना कोई केड़ रहा पत्तो लो और केड़ रो पत्तो ला और अपन साथ में थोड़ो थोड़ो भोजन निकाल और आठ भी पन्नत रो बनावा जना ये जाए ने केड़ रो पत्तो लाई लाई बड़े और वह सातो पन्नत ना मो थोड़ो 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 भोजन कम करियो कम कर आठ भी पन्नत रो बना और अमरावती नामरी पुरी ने आत्मे पकड़ाई तू जा भाई वो राजा ने दिया पूरी आई आई पर इन राजा रे आगे वो पन्ना तोड़ रखी राजा की भाई मैं तो भोजन करूं मैं यूं है कि मैं राजा हाँ राज कर मानो नेम मैं कर तो अन्न खावा आत्रो इनके खावा जात्रो दूजा ने करो अन्न खावा को आ देवन बोली देख रे राजन थारो नेम तो है ओ और मैं कोई अटे मरतो लोग नहीं है माई ठेट इंदुला कड़ा हुआ है और मारे घरे कोई अतिथि आ जावे उन्हें मैं भोजन कराए बिना भोजन करा जो बोले तुम दो ही ग्रास ले पर भोजन करनो राजा देन बोलियो ठीक है भाई ज्यादा भी बात विवाद करे तो एक दो को वो ले ला और फिर प्रश्न नहीं आए तो कड़ने भगाई दे आप अनादरणीय ने आगे रखे वो ये कहो लियो तो वो भोजन ही तो स्वादिष्ट लागो राजा आपने जिंदगी में कभी भोजन नहीं करियो वो राजा अनादरण जेम गो ताट जेम पाँच आशा करिए कि और हूँ वह थोड़ो तो और जेम लो और जेम लिया वो यूं नजर पटके और वे आपस में बात करिए कि वो भूखो है दापको नहीं दापको नहीं क्यों भाई नहीं दबो जो ना मैं अपन खने की ये कौन ऐ ने बोल साल करी बोलो राजन अटे आप रो आनो हाँ क्यों हुई क्यों भाई क्या यहाँ कहीं हुई हो मने धर्मरी जड़ हरी दिखा हाँ दिखा वो जरा भाई और चाहे तो और बोल कहीं बोले धर्मरी जड़ हरी बात दिखाओ दिखाओ क्यों राजा धर्मरी जड़ हरी थने दिखाओ अपन खुद देख देखे तो थारो देखी चुप देखी अरे भाई आप कहीं तो बताओ के बतावा जना वो मानो सिंघासन तो उठेल तो इन सिंघासन तो पायो पकड़ सिंघासन तो पायो पकड़ तो तुम जाते मैं जावा ना नहीं रे जालो ले रहे हैं ला रहे रे जाल पर कोई गेलो नहीं है ना पर किंग नहीं है अब तो चाल जाते बटे मैं डबान जट थोड़ी वो पागो छोड़न वाह है तो और तो राजा विचार करियो ठीक अब हमारी टेम हुई नो इंद्र भगवान ने गुरु सिंह आयो एन आवता पानी है भतो भज माई ने बैठ ढोके राजा कने ताको राख बैठ ओ थोड़ा जमीन ऊपर उठियो उनके ओ पागो ओ पायो पकड़ियो उनके वो सिंह उठनो सारो हुई और सगा सगा क्यों फोतो पा ठेर ओ ठेर जाए
और रजा विचार करियो जे हाथ छोट गा बेटा पड़ गा तो हाथ को पंगा जगा नहीं लगे बिना फालते किया आप वायरा लगे फटकारा काना बेच अगर वायरो नहीं दे सका रजा विचार करियो बे मरिया बे तो मारी गए पण तो वो पागो कटो पकड़ियो रहा पकड़ियो का छोड़ जा नहीं ओए इंद्र सिंह नो मटो इंद्र लोग में गिवी और वो पाचो नीचे उतर डोको जमीन नो पांच एक पाउंड ऊपर रियो उनके वो हाथ छोड़ नीचे पड़ियो नीचे ऊपर ओट बैठो यो और सिंगर ने जमीन माते डबियो ने चारों बरसातों ही बारे निकली निकली बारे निकली क्यों देख रहे राजन चार बजे ताई थारे देखनो जो को देख देख ले और चार बजे ने बाद में मानी टेम उजाला में पाछी जावल जे पांच मिनट लेट है वो तो टेरे जा पदे बोले धर्मरी जड़े हरि देव ताटे फिर दे ताटे फिर जाएगा पद कोई पाछो गेलो नहीं हां लादन लेगा नहीं गा राजा के वो तो काम तो करियो तो कावलिया पण कोई बात कोनी अब 4 बजे पहले आ जा कहीं देखा देख लिया देखो ऐना बोलाउ देन क्यों देख राजन इनी जगह पाछो आनो ना ठे आनो 4 बजे पहले आनो ए चारों तरफ गल्ला पड़िया थारो छोको दे गेलो शाम हां शाम और थारो देखनो तो और राजा चारों गल्ला माते उबो वो मता करे अड़ने चलना अड़ने नहीं चलना पुने चलना के आ चलना चार बजे पाछो आनो और राजा यूं विचार करन तो शेख पाउंडा चालियो के आगे वे धर्मराज जी बैठा जी एक मोटी पागड़ी बांधी ओड़ी ने खाता वया फड़ी मुंडा एन कान में कलम था राजा विचार करियो रे ओ आदमी बैठ इन पुत तो कोई गिल्लो और राजा धीरे 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 धर्मराज जी कने गियो जाए बरो राम सामान नमस्कार करिया क्यों रे बोल भाई मर तो लोग रोमान को अच्छे के बाब जी धर्मरी जड़ हरि देखण में आए तो अब किए गेले जावा धर्मराज जी क्यों भाई दो गेला है एक गेल दो यू जाए एक गेल यहाँ जाए अब इन गेले जाए जना तो वे दो कुछ आला है तू देख ही कर और इन गेले जब वो आवरो गेले गेले चले आगे जावे तो सोनारो महल बने सोनारो महल बनी उड़ो क्यों वो तो बाता और कदे रजारे देखने में नहीं ना जान को और वे आदमी उबा मायने महल देखियो रजा विचार करियो ओ कोई बर्मा विष्णु के ठिकानो है हां मां को है कोई अब हम तो अटकाई को ना कहीं काम पड़ा ए वो दास करी क्यों रे भाई ओ महल ना कौन सा ही बनाएगा क्या अर्थ बिना है क्यों भाई राजा झूठ नहीं बोला ओ महल अब बिना इंतजार करियो वहां उसे नंगरे रे मायने राजा भोज रानी भुणवंते बने जेड़ो कोई धर्मात्मा कोनी ना है कोनी बीते बनाएगा ओ महल अब कुछ दिन में बैठ आउनाला है अबला है क्या जना ओ मैं प्यार करा हाँ के भाई रजा बहुत जड़ो कोई दानी नहीं है ना कोई नहीं और धर्म करियो तो चार गुना हाथ गुना वध को भी ना जना ओ मैं बिन बात ये चाहिए मैं रजा बहुत विचार करियो वाद हो मेरी लड़की वाद हो मेरी बामना करने कहीं बाप ना कहीं हो बाप चलो आगे दियो तो दानरा ढिगरा ढिग पड़ी कपड़ा ना ढेगी ढेग फड़ी और गाया भैंसिया देखियो अनुआ ने पूछताछ करी रे भाई ओ आरब खानो क्यों भाई उजैन नगरी है अमर तो लोग बटे राजा भोज रानी भोणवंती और वे बहुत धर्मात्मा है सब देवी जा निदान है पंडित है शास्त्री जानकार और वहां दान पुन करियो जो कुछ धर्मरी जड़ हरी है भाई वो आगे मिली मैं कुछ काल में अटे आउनाला है बड़ा है जना वो दान वाने खावण ने कपड़ो पहनने ओढ़ने बिचौने ये गाया भैंसा वाले दो बा वास्ते ये के बा वास्ते रजा भोजरी तो भाई आंख क्या मैसेज की सुन
कान लाखो ना था ना सो मामलो खराब हो गए ओहो क्यों हो तो एन किता बेगा टे आवा हां किता बेगा वा ओ आबरो देख दे कान की अब काई देखनो इनो आगे तो देखा काई हां काई देगा हां जे आगे ताला तो ठीक ही है ओ देखन पाछो आयो ओ तो आबरो 4 बजे पहले उठा न बैठ ना भी पहले आई लियो ओ आई बरो उन बैठो वे आई पाछे ते भी 4 बजे नो सिंगर सुनायो ने मैं बैठ मैं बैठी ऊपर उठियो वो पाको पकड़ दी अब वो पाछो उठो सिंगर सुन सागर सागर को पाछो आयो पाछो आई बरो और मैं भाग रे मैंने उतार भाग रे मैंने उतार बरो उन पाटा माते बैठो और वे पूरी देवन बोल दे रही राजन बैठो कहते हम मानी टेम हुए ना मान टेम बोलिए जो मैं तो डबा कौन है मैं फंस जा और जे मैं फाट का बंद कर की तो तुम तो माइन रे लब ना लाद लो कौन कर लो दे लो लाद लो कौन है और जे फाट का ने जावेला बड़न भस्म हो जावेला मां तो बैठी जे थो तारो ठीक है और राजा बोझ घोड़ा ने खोल परो रवाने भी यो विचार करियो अब देखनो जो को देख हां देख लियो सही मिल गो मामलो तो सही मामलो मिल गो आओ गेले चाल दो मन में विचार करियो के दोबिले लड़के हूं बात करी जो कोई तो ही तो अपा भगवान ने कर देखना या हां वो ये आके देखो जे दोबिले लड़के ने ब्याह कर ला साथ में हां तो फिर भगवान ने भेड़ा ही जरमा हां सही कहनो ही पर कहनो ही और राजा बोझ मैंने माथे मंचर पाप दे और राजा बोझ आयो आई पर उन घरे तो गियो कौन एन सीधो भी धोबी ले घरे धोबी ले घर जाए धोबी ने आवाज लगाई धोबी बारे आयो जो कम बोलो आप जो बोलो कहीं भाई तारे लड़के साथ में ब्याह कर धोबी मन में विचार करियो काल बुलाऊ आयो क्यों तो जावे एन क्यों दुख पल्ले पड़े ओ कोणी राजा है राज करे पण जाति रो कोनी हां कोनी अपनी जाति तो अपन बोलन दे हां कोनी अब इने जवाब काई दे काई दे ओ यो आउस में मन में चिंता करी चिंता करतो ही वो तो सदमो वेन भाई धरती मत पड़ गयो पड़ियो अन वा लड़की आई उठान बैठो करियो साते साते मसनी पिताजी पांच दस मिनट मुंडे वो अरे पिताजी कहीं हुई हो के बेटा कहीं हुई क्या तो आप क्यों चिंता कर मारो जवाब मैं दे हूँ मैं दे हूँ तान कहीं चिंता है क्या तान कोई चिंता को नहीं मारो जवाब मैं दे हूँ आज वो गियो काल पाँच आई ते मन बताई दे जो मैं मारो जवाब देती रही ए बेटा जवाब तो दे मने टाए राजा रो घरे कोई दुख वाली बात नहीं है पण अपनी जाति रो कोनी ना जाति को कोनी जो लोग रे भाई कोनी तड़के हां तो आ कोई बात को नहीं आगे आगे देख जाए वो तो कह के लाई मुंडो कोई फेरा थड़े खावे देखो भाई वो तो पिताजी मुंडो कहे और फेरा खाऊने को देखा फेरा खाऊ ना कोई वो विचार करियो भाई और राजा जो को आई बुरोन बिगा में थोड़ो पड़न पर्सन बैठ को कोई बोलना कोई चाल अबे लाल रानिया समझे को नहीं वा भूणवंत समझे बा रानी विचार करियो राजा नार गिरो भागी हो गो हां साथ ही बोय ना हम नार की मिल ना नार की मिल ए श्री पुरुष छोड़ो वे अपा इन लुगाईया इन पांतरी नार की अपा ने पाले पड़ गई पण अब देखो सुबह काई और राजा आवरो विचार करता सोतो रियो सुबह सुर जोगो और पाछ दियो क्यों इन बार लिखने बनी उड़ी ना वो तो आज धोबे ने आवाज लगाई धोबे की और राजा साहब आम बात नहीं मन ठा कौन वो हमारे लड़के जो हाँ भाई जाने गए हाँ फिर ना बात कर और धोबे लड़के ने आवाज लगाई आप बारे आई बारे आए राजा ने पूछताछ करी राजा क्यों भाई मैं सर साथ में फेरा खाऊ क्यों राजा दिन घड़ी दिन बाद जो को माना कर्मा में थानो ठिकानो लिखियो खट हां लिखियो खट हो गए थे फेरा खाओ जना मैं तो फेरा खाओ ने तैयार हां तैयार हां मां तो इतना में अड्डी का हां पण इया करो ते आज आज औरों देखियो
आजाद ना जा देखियो जा नोनो देखियो अन पत आ जो आज तो यहां पर फेरा खाए हां पे फेरा कर ली फेरा खा लेंगे ओ क्यों मैं तो देखियो ओ क्यों नहीं देखना उन्हें वे हां अलग ही देखियो आ तो देखियो पूरो देखियो कोने जान पत तो ना पे एक एक रोज कर मारा एक ना और जाओ पत कोई बात हां तो क्यों ठीक है जाया हजो विचार करियो गेलो तो जाना ना अब जो देख रहे हो डगे हां अब को संगाली बात है कौन आठ बोर दो बोर देख रहे हो ना और काई और जा तो आई बोलो नाय दो सना सबड़ा कर घोड़े सज पांचो सर से ले और रवा बाग में पचो आई लियो और आने यो बाग में आयो फाटा आवे बंद दरवाजा देखिया और वे सातो ही लड़कियां ने देख देखियो तो कोई चूको नहीं करे एक ही नहीं बोल ना बोली नहीं राजा विचार करियो घना आवणो मान हटे ना ज्यादा आएगा काल आया एन आज पास आएगा घना ए विचार करे वो रोज नहीं आई एन अपाट रोज ना कहते हां कहते चलो कोई बात कोनी बोले तो नहीं बोले बैठा ओ आवरो पाटा मत बैठो ओ पाटा मत बैठो ओडदा हटे में भी एन वाने वो भोजन आयो भोजन आयो ने आपस में बात करी एक यो बड़ंदो एड़ो पापी है ना पापी को कौन खावे कौन खावे एक यो नहीं भाई अपन धर्म हट जाए हां धर्म हट जाए क्यों अपन खना एड़ो हां एड़ो है भूखो रे हां अपन दवारे आई को भूखो रे वे जा के पाप अपन ही हां लागी तो ये तो मानुष तने इने करनी हो जाए अपन ही करनी अपन हां अपन जाए भोजन तो करो जणा अपना तो रही जो आठ वे पना तो गणा और इने पकड़े ओ भोजन कर लियो भोजन कर बरो ने ध्यान हो गया आज बतलावे तो है कौन हां कौन बतलावे ओ वो सिंगर सुनायो सारे जाय नो पटो वो रे तो आप मते पकड़ जा पकड़ ले काई कहवे तो काई नहीं कह ओ वो सिंगर नो ऊपर उडियो उन के वो पागो पकड़ी पकड़ियो सिंगर ने आगे जाऊं ढोको ओ विचार करियो बतलावे तो नहीं है पण देखो तो हां को दिखी जाए ओ वोटर सिंगर ने उडियो नो नीचे उतरी उतर ने कोई और कोई आप रे गेले ओ विचार करियो काई करा ना तो चार बजे फांसी जाई अब आपन गेलो ओ आप उजान वे धर्मराज बैठा जी कान सारे जा एन पाछो ज्ञान कर एन वो सागणी रस्त लियो ओ मेरे जावे तो आगे वे बड़ा बड़ा लोरा लगा लियोड़ी करी कर लगोड़ा खोजा टांगड़ा ने मैंने मेल ने पाड़े पाड़े पचो पचो मेल ने पचो पाड़े राजा विचार करियो रे ज्ञान को मेल भणियो रे पचो हां घर बोड़े पचो पड़े लो पण केन के में कष्ट रे नक्षाऊ बणियो को बणियो को नहीं पोचा देगा और अगर सते कन पहुंचो रे भाई ओ यान को मेल करोड़ो ने बियो लागोड़ा पाछो कन दुड़े रहो क्यों रे भाई फटका काई उजे नंगरे मरतो लोग में जका ने राजा भोज और रानी भोण बाने वास्ते ओ मेल तैयार भी हो पण काल री तारीख वो आपरी भक्ति सब नष्ट कर दी जो को विने वो उल्टो पाप लागो जोको भाई सब माया रहा तो कोयला होगा मेल पाचो पाड़ा खराब हो गए खराब हो सब आपरी माया है जो नष्ट हो जी ओ विचार करियो कोई करे ये आगे गियो उनके कपड़ा बड़ियोड़ा राख रहा ढिल रहा दान रहा कपड़ा राख रहा वह गाय भैंस हो भी जो करे आगे खोंदनी नंदिया चाले बे भेचो भेचो बे कीड़ा खावे क्यों पूछो कमला था राजा पूछो रे भाई ते तो रुकड़ा उबाओ एक कुंड कीड़ा नहीं है इन महीने गौ है कीड़ा खा के साज नहीं करो क्यों भाई नहीं करो मरतो लोग में उजैन नगरी है बटे राजा भोज रानी गुणवंती है वो राजा बहुत धर्मात्मा हो न
પણ કાદરી તારીખો ભાઈ એની બુદ્ધિ પાલટો ખાઈ ગઈ એને કારણ શું એ કીડાની કુંડે બે કુછ દિના મેં આવના લા જો આવ તાઈ મેં કીડાની કુંડ મેં और सब जानवर जानवर खाई वाने दुख पाए राजा विचार करियो तो फोटो दुख हम लोग राम को जो हां राजा वाने फुगम तोरे बाप जी पाछो के मने गेलो ठीक बताओ ना बताओ क्यों भाई नहीं बताओ ने मान कने ए जो को तने गेलो अटे बतायो बा हागे जणे तने गेलो बताई बतावे और मातो के जाना न कोई એ ગેલા તારા આગલા ભોમે વા માહી ના માહી એમ તો તારી માન નહીં પડને જને ના લાગો અરે બાપ કેમ ઉતરે કે તને કહી દઉં ની બાઈ જાણે ના બાઈ જાણે અટલ તું બોલે છે મે નહીં રહું તો ફેર કે જવા ના કોની બેઠો કે કોઈ કામ ન લાગે કે કોઈ કામ નહીં ઓર અજા મોળો પણ પાછો આવ્યો ઓર મુંડો ઉતરીડો કેમ પોતો પાતા મોળો મોળો બેઠો કોઈ બોલ નો સાલ નો કે નહી આય આપડો ઘોડો ખોલ એને ઘોડે વેસવા પાછો ગામે આવી બરો રાણી ને પૂછતાછ કરી તો રાણી વાત આવી બોલ્યો બાપજી મેં આપને કયો નહી મને પાત્રો ધ્યાન બડે અપરાધ કે એ માતાજી મે મૂર્ખ બેગો આંધો ઉગો મને ગેલે ગાલ હા પદ કોઈ સદબુદ્ધિ દિયો કે સદબુદ્ધિ દો મારી બુદ્ધિ મલેણ જો સદબુદ્ધિ દાંત નો પાપ ઉતરનારો કોને હા થડકો તો થડકો કે હા તો પાપ કર્યોડો ઉતરે મનચારા પાપ ઉતરનારા કોને હા કોને કે હવે જે ભાઈ તારે ઉતરે તો બરાબર ઉડવાના પગા ગાયા ચરાવે ગાયા ચરાવે પાછી और वहां गाया ने लारे लारे चाले लाठी देवे कुल तो कोई पाछी शुद्ध बैठे तो बैठे ही नहीं मुश्किल लगा राजा विचार करियो जबरो उडालो लियो ने और राजा पातो आयो आय बोलो रानी आगे बात करी रानी क्यों पाप तो इन रीति में उतर ये ओ पाप उतरना रो ना करनी दे ओ क्यों भाई चला आमा જણાવો રાજા ભોજ રાજપાટ લ્યાસા છોડ ઓર બટો રવાને રવાને વિયો રાણી કયો પછી મેં ચાલું કયો થાનો કે દોષ કયો દોષ તો કોને પણ આપ ધણી હો જણાવ તો દોષ હે એ નહીં સમજના નહીં સમજે પણ મેં તો એની વાત મેં સમજ જણા રાજા ભોજ ઓર રાણી ગુણવંતી ઉજવેન્દ્રી છોડ પતા સાઠ કોષ માથે કટે સંધિ ભૂમિ બટે એક જાટરે મોટી ઢાણી સો સવસો ગાય બટે જાય ભરાન રાત વાસો રામ સમા કરી આપો દાસ કરી જણા કયો છા મારો નામ ભોમલો હે ઓર ગરીબ આદમી આ દો ધણી લુગઈ હા પેટ ખર્ચો ચાલે કોને ના કોને જણા કટે દો પૈસાની મજૂરી વાસ્તે કોઈ વાત ચરાઈ લે
इन गया बोला कि अरे बोमा कहीं लेवे के बाप जी ले उन्हें हमने कहीं नहीं के माते भूखा राख जो मते इन फाटा माते कपड़ो दिया थे और कोई मारे भेड़ा करना को अरे गला कहीं तो मांग के कहीं नहीं और आगे गए सराव सर वो गया सरावे गया रामनदारे बेवे अड़नो घेर अड़नो लावे अड़नो लावे रानी लारे उड़वाना पंगा भातो ले जावे इन रोड जी मार पच ए दोनों धनी लोग ये के बतावे के 12 साल तक गवनी सेवा करी 12 साल पूरा विया अनवा गया रे मायने एक तो काजल नाम रे गाय और एक भिंडल नाम रे गाय बे दोनों गया रात्रि समय मुंडे बोल राजा भोज और रानी भूणवती सुता और वे दोनों बातें करी कि भाई भाई क्यों कर हमारी तो कल उम्र आई हाँ क्यों भाई थारी आई कि तो उम्र मारी आई अब काली तारीख में और सरता सरता ही नंदी में पड़ा जो को पानी रुबा ही ना नंदी में भाई अब आई हुई थी जय राजा भोज रानी भूणवंती जागता वे सुनता वे सुबह पड़ नंदी में पड़ा मिनटे में पूंछड़ा पकड़ ले तो बने सेंदे ही बेंकोट दे ही और नहीं पकड़े भाई तो आ रही है तुको राजा रानी ने कहो रानी राजा ने कहो ना कहो अपन नाल की काटनी है ना काटनी सुबह और जो को से गाया ने ले गया ना वा गाया ने बातें करी उड़ी एन वा नंदी लोग किनार आयो एन गाया मई बड़न रुके के एक को पहुंच लो पहुंच लो पकड़ नंदी में बटी ने तीर पार बिया गवाई खत्म और बैठ दिया भगवान ने दरिकन दरिकन ने गया ना बे रजा बहुत लो ले को तो को ले वे जो को माई नहीं बढ़न दे के वो तो बहुत पापी ना मुंडो दे क्यों नहीं पाप कोनी काम के हां नारगी में ने कौन के वे गवा आड़ी थी गवा आड़ी फिर ने आ लंबा लंबा हिंगड़ा धर्मराज ने लारे हुई धर्मराज जी क्यों ये कहीं करिए छोड़ो के आनी नारगी तोड़ो नारगी मारा लेख में नारगी में नेकू पण गाया मारे के मारे जन थारो ले खाउल कर ए नाने नारगी है तो जनाबे 12 साल तई दुआ की सेवा करी जनाबे हेंदे ना गया नहीं।